Hello students, today we are going to discuss worksheet number 14, that is symmetry, of class 7th standard. Question number 1, draw the line of symmetry of the following figures. Beta, first question bahut easy hai. You need a scale to do this. Aapne simply ek scale ke saath given figures ki line of symmetry banani hai. You know English alphabet T has a line of symmetry which passes through its center vertically. तो ये बेटा इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई. देन नेक्स्ट लेटर इज एम. इसमें भी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है दैट पासिस थ्रू इट्स सेंटर वर्टिकली. ये एम के दो इक्वल पार्ट्स कर रही है. देन नेक्स्ट लेटर इज ए. इसकी भी जो बेटा लाइन ऑफ सिमेट्री है इट पासिस थ्रू द सेंटर ए वर्टिकली. एंड जो लास्ट लेटर है एच, बेटा इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है दैट इज बोथ हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल. मतलब कि इस लेटर की यू हैव टू लाइंस ऑफ सिमेट्री, वन पासिंग वर्टिकली थ्रू द सेंटर एंड वन पासिंग हॉरिजॉन्टली थ्रू द सेंटर. सो बेटा इसकी दो लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री आर देयर इन अ लाइन सेगमेंट एंड विच इज दैट. बेटा यू ऑल नो लाइन सेगमेंट. आप किसी भी लेंथ की एक लाइन सेगमेंट बना लीजिए. फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 सेंटीमीटर की बनाई, तो आपको पता है जो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है दैट विल पास थ्रू द सेंटर. एंड मोर ओवर जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी बेटा दैट विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द बॉटम. सो आप यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे बेटा विद द हेल्प ऑफ अ डी. सो दिस इज माई डी. इसके साथ आप यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ पे डॉट लगा के. यू कैन ड्रॉ इट विद अ कंपास एज वेल. तो मैंने यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल के ऊपर ये लाइन बनाई. तो ये जो लाइन है ये इसकी क्या है बेटा, लाइन ऑफ सिमेट्री. एंड इस लाइन ऑफ सिमेट्री का नेम होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. इट इज नोन एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो इसके दो इक्वल पार्ट्स कर रही है बेटा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज draw the lines of symmetry of an isosceles triangle. बेटा you all know that isosceles triangle एक ऐसा triangle होता है which has two equal sides. So this is the cutout of an isosceles triangle. आप देखो इसमें center में से line pass कर रही है और अगर मैं इसको वैसे fold करूँ then it exactly overlaps. तो ये line इसके दो symmetric parts कर रही है. So an isosceles triangle has a vertical line of symmetry which passes through the सेंटर. सो नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 1. नेक्स्ट इज ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं. तो चाहे आप उसको इस वर्टेक्स के अलॉन्ग फोल्ड करो इट विल एग्जैक्टली ओवरलैप. आप चाहे उसको इस वर्टेक्स के अलॉन्ग फोल्ड करो इट विल ओवरलैप, और इस वर्टेक्स के अलोंग करो देन ऑल्सो इट विल ओवरलैप. सो यू कैन ईजिली सी कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं. सो एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री विच पासिस थ्रू ऑल द 3 वर्टिसेस. ठीक है बेटा. एंड दे ऑल मीट एट 1 कॉमन पॉइंट. सो एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. The next question is you have to show the lines of symmetry of a parallelogram. For this I have a cutout of a parallelogram. But आप parallelogram को अगर बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको vertically ऐसे fold कर रही हूँ it is not exactly overlapping, ये gap आ गया. अगर मैं इसको vertically fold कर रही हूँ horizontally then also ये overlap नहीं कर रहा. मैं इसको diagonally भी करके देख लूँगी तब भी ये overlap नहीं करेगा. So एक पैरेललोग्राम की कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है. सो इट हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री. अ पैरेललोग्राम हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट इज यू हैव टू शो द लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ अ रेक्टेंगल. बेटा दिस इज अ कटआउट ऑफ अ रेक्टेंगल विद मी. आप देखो अगर मैं इसको वर्टिकली फोल्ड करूं देन ऑल्सो इट एग्जैक्टली ओवरलैप्स. हॉरिजॉन्टली कर रही हूं देन ऑल्सो इट ओवरलैप्स. So a rectangle has 2 lines of symmetry and I will draw it over here. One is horizontal one and one is the vertical one. So it has 2 lines of symmetry. The next is you have to show the lines of symmetry of the rhombus.
बेटा रोम्बस की चारों साइड्स आपकी इक्वल होती हैं एंड जो इसके दो डायगोनल्स होते हैं वो इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है. देखो बेटा अगर मैं इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली फोल्ड कर रही हूँ देन ऑल्सो इट इज एग्जैक्टली ओवरलैपिंग. अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर रही हूँ देन ऑल्सो इट इज ओवरलैपिंग. सो अ रोम्बस हैज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड दोज आर इट्स डायगोनल्स. वो उसके डायगोनल्स हैं बेटा. सो अ रोम्बस हैज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट वन इज यू हैव टू शो द लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ अ स्क्वेयर. बेटा जो स्क्वेयर होता है उसकी ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड ऑल फोर एंगल्स आर 90 डिग्री. सो यू कैन इजिली सी अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली फोल्ड कर रही हूँ इट इज ओवरलैपिंग. वर्टिकली कर रही हूँ इट इज ओवरलैपिंग. जो उसके दो डायगोनल्स हैं उसके अलॉन्ग भी करूंगी देन इट विल एग्जैक्टली ओवरलैप. मतलब कि वो उसको दो सिमेट्रिक पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. सो अ स्क्वेयर यू कैन सी हैज फोर लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड आई विल ड्रॉ इट ओवर हेयर. वन इज द वर्टिकल वन, द हॉरिजॉन्टल वन एंड द टू डायगोनल्स. जब आपने ये लाइंस ऑफ सिमेट्री बनानी है बेटा मेक श्योर दैट यू मेक इट विद द हेल्प ऑफ अ स्केल एंड ऑल द लाइंस ऑफ सिमेट्री इंटरसेक्ट एट वन कॉमन पॉइंट. सो अ स्क्वेयर हैज फोर लाइंस ऑफ सिमेट्री. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ इज यू हैव टू शो द लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ अ काइट. बेटा अ काइट हैज टू लाइन सॉरी वन लाइन ऑफ सिमेट्री विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द काइट. यू कैन ईजिली सी जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है वैसे ही काइट होता है. उसमें भी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है विच पासिस थ्रू द सेंटर वर्टिकली. सो अ काइट हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री. सो आई होप ये वाला पेज आपको क्लियर है असाइनमेंट का एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज. यस स्टूडेंट्स दिस इज द कटआउट ऑफ अ काइट. एज आई शोड यू इन द प्रीवियस पेज इट हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री दैट इज द वर्टिकल वन विच पासिस थ्रू द सेंटर. अ काइट हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री. देन मूविंग ऑन टू द सेकेंड पेज क्वेश्चन नंबर 10th. हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज अ रेगुलर पेंटागन हैज. बेटा जो रेगुलर पेंटागन होता है उसकी 5 साइड्स होती हैं एंड रेगुलर वर्ड मीन्स ऑल द 5 साइड्स आर इक्वल. जैसे एक स्क्वायर होता है उसकी 4 साइड्स होती हैं एंड ऑल 4 आर इक्वल. इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है हैविंग 3 इक्वल साइड्स. इक्विलेटरल ट्राइंगल की 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, स्क्वायर की 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड अ रेगुलर पेंटागन हैविंग 5 साइड्स हैज 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. अगर उसी तरह आपके पास आ जाएगा रेगुलर हेक्सागन देन इट विल हैव 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर 11. हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज अ सर्कल हैज. जो ये सर्कल होता है इसमें जितने भी आप ये लाइन्स देख रही हैं ब्लैक वंस दोज आर द डायामीटर्स ऑफ द सर्कल. तो ये डायामीटर एवरी डायामीटर इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द सर्कल. जब हम सर्कल को किसी भी डायामीटर के अलोंग फोल्ड करते हैं देन इट डिवाइड्स द सर्कल इनटू एग्जैक्टली 2 halves एंड दे एग्जैक्टली ओवरलैप ईच अदर. सो एवरी डायामीटर इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री. तो इसके अंदर हम इनफाइनाइट डायामीटर्स बना सकते हैं. सो अ सर्कल हैज इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री एज एवरी डायामीटर इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डू ए डी एंड ई हैव. बेटा जो ये लेटर ए है इसके अंदर हम लाइंस ऑफ सिमेट्री बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्केल एंड यू कैन सी इसमें एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. जो डी होता है बेटा इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है बट दैट इज नॉट वर्टिकल दैट इज हॉरिजॉन्टल. एंड सिमिलरली ई में भी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है दैट इज हॉरिजॉन्टल. सो ए डी एंड ई ऑल हैव ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री. ए में वर्टिकल होती है एंड डी एंड ई में हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13. हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू एच यू वी एंड एक्स हैव. स्टूडेंट्स जो एच होता है उसमें आपके पास 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं. वन इज वर्टिकल वन एंड वन इज द हॉरिजॉन्टल वन. सो एच में हमारे पास 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं बेटा. यू में वी हैव ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री विच पासिस वर्टिकली थ्रू द सेंटर. सिमिलरली वी में वी हैव 1 लाइन ऑफ सिमेट्री पासिंग वर्टिकली थ्रू द सेंटर एंड एक्स में वी हैव 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री दैट इज वन इज हॉरिजॉन्टल एंड वन इज वर्टिकल. सो एच एंड एक्स में वी हैव 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री स्टूडेंट्स एंड यू एंड वी में वी हैव 1 लाइन ऑफ सिमेट्री.
देन क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू एस एन एन हैव? एस एन एन में बेटा कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, कोई भी आप ऐसी लाइन नहीं बना सकते जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें. सो इट हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री. देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू द फॉलोइंग फिगर्स हैव? बेटा ये देखिए, ये जो फिगर बना हुआ है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है सेंटर में और उसके ऊपर थ्री सर्कल्स हैं. आपने इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बनानी है, ये वर्टेक्स से ये सेंटर, ये जो सर्कल्स यहाँ पे टच हो रहे हैं एग्जैक्टली वहां से निकलेगा. सो आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये इसके दो इक्वल पार्ट्स हो गए हैं. सिमिलरली अगर मैं इस वर्टेक्स से निकालूं सो इसके भी दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे. एंड इफ आई मेक इट फ्रॉम दिस वर्टेक्स देन अगेन इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री इक्वल पार्ट्स. सो ये वाला इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. सो यू कैन सी दैट दिस फिगर हैज थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट फिगर इज दैट ऑफ अ स्क्वेयर. अब स्क्वेयर में वी हैव फोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री, बट इस फिगर की हमारे पास फोर लाइन्स नहीं आएंगी बिकॉज अगर हम इसको वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली देखें देन तो इट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, पर डायगनली ओवरलैप करने पे ये इक्वल नहीं आएंगे. सो इसके हमारे पास दो ही लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, वन इज हॉरिजॉन्टल वन एंड वन इज द वर्टिकल वन. सो वी हैव टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट फिगर इज अगेन सिमिलर टू दैट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. इसमें भी आपको ये जो लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं बहुत ध्यान से बनानी पड़ेंगी. ये वर्टेक्स से इस सेंटर तक आ रही है बेटा, देन इस वर्टेक्स से जो ये वाला पॉइंट है वो लाइन उसको वहां से टच करेगी. अगेन इट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. सिमिलरली इस वर्टेक्स से यहाँ पे बनाओगे तो अगेन इट इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स. सो यहाँ पे ये मीट कर रहे हैं. सो इट हैज थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री. एंड दिस वन स्टूडेंट्स, इसमें यू हैव वन लाइन ऑफ सिमेट्री विच पासिस वर्टिकली थ्रू द सेंटर. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें आपने लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनानी थी. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री. बेटा रोटेशनल सिमेट्री में क्या होता है कि हमने गिवन फिगर को रोटेट करना है एंड वन कंप्लीट राउंड में, दैट इज 360 डिग्री एंगल में, वो कितनी बार ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन ले रहा है. तो देखो बेटा, ये फर्स्ट फिगर का आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ अ कटआउट. ये कटआउट है जो ये फिगर बना हुआ है. अब ये ऐसे है, अब मैंने इसको रोटेट करना शुरू किया. सो आई एम रोटेटिंग, मैंने इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया, ये 90 डिग्री आ गया. अब देन इसको मैंने 180 पे रोटेट किया. अब देखो 180 डिग्री पे इसने सेम पहले जैसी पोजीशन ही ले ली. सो एक ये वाली पोजीशन होगी एंड देन अगेन आई एम रोटेटिंग इट 180 से हो गया 270 हो गया. देन ये वापस ओरिजिनल पोजीशन पे 360 डिग्री, वन राउंड इसका कंप्लीट हो गया. तो इसने दो बारी सेम पोजीशन ली है. सो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 2. सिमिलर इज द केस विद दिस वन. अब जब आप इसको रोटेट करेंगे तो जब ये वाला एंगल, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये इक्वल हैं, जब आप इसको रोटेट करेंगे तो जब ये वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा एक बारी तब, और एक बारी उसकी ओरिजिनल पोजीशन, अगेन द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 2. जो ये वाला फिगर है दैट इज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. आई विल शो यू दैट इक्विलेटरल ट्राइंगल अगेन. अब देखिए, मैंने इसको सेंटर से यहां से रोटेट करना शुरू किया. सो आई एम रोटेटिंग इट. तो अब अगर मैंने इसको अभी इतना ही रोटेट किया, ये मेरा ओरिजिनल वर्टेक्स था जहां पे मेरा थंब है ये वाला, तो अब मैंने इसको रोटेट करना शुरू किया पर ये ओरिजिनल ट्राइंगल जैसा ही लग रहा है. सो एक पोजीशन जब ये पहले यहां पे था वन, ये सेकंड और ये थर्ड, अब भी ये सेम ही लग रहा है. एंड अब ये वापस आ गया अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, 360 डिग्री एंगल कंप्लीट हो गया. तो इसने थ्री टाइम्स वही पोजीशन ली, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 3. एंड जो ये वाला फिगर है बेटा, अगर आप इसको कटआउट करके रोटेट करके देखेंगे, इसको पूरा चक्कर ही काटना पड़ेगा, मतलब कि पूरा वन राउंड लाना पड़ेगा टू गेट बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन. सो इट हैज ऑर्डर ऑफ 1. एंड इसी के साथ बेटा एक क्वेश्चन बनता है विच इज एडिशनल, यू कैन डू इट. इसमें अगर आपको क्वेश्चन आ जाए फाइंड द एंगल ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री, तो आपने क्या करना होता है, सिंपली जो आपका ऑर्डर निकला है 360 डिग्री से उसको डिवाइड कर देना है. सो इसमें द एंगल इज 180 डिग्री. सिमिलरली इसमें भी 180 डिग्री आएगा बिकॉज ऑर्डर इज 2. इसमें 360 को 3 से डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट ऑर्डर एज 120.
एंड इसमें जब आप 360 को 1 से करेंगे देन यू गेट द एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री एज 360 डिग्री ओनली. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17. फाइंड वेदर देयर इज रोटेशनल सिमेट्री एंड इफ इट इज देयर यू हैव टू राइट इट्स ऑर्डर. अब अगर हम स्क्वायर को फिर से देखें, ये रहा स्क्वायर का कटआउट, ये रहा इसका ओरिजिनल. फॉर एग्जाम्पल ये इसका ओरिजिनल पोजिशन है, ठीक है. अब मैंने इसको अभी 90 डिग्री पर रोटेट किया तो ये 90 डिग्री पे फिर से आ गया, फिर 90 डिग्री पे किया, ये इसका ओरिजिनल वाला था, ये जो यहाँ पे था ये यहाँ पे आ गया, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन एंड देन दी ये ओरिजिनल वाला फोर्थ पोजीशन. तो फोर टाइम्स इसने सेम पोजीशन ली है. सो इसका ऑर्डर इज 4 एंड एंगल इज 360 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 90 डिग्री. फॉर अ रेक्टेंगल बेटा, अब अगर आप इसको रेक्टेंगल को रोटेट करेंगे तो अब 90 डिग्री पे उसने ओरिजिनल पोजीशन नहीं ली, पर 180 डिग्री पे उसने ओरिजिनल पोजीशन ले ली, ओरिजिनल उसका फिगर आ गया. एंड देन 180 पे दोबारा से रोटेट करेंगे तो ये वापस आ जाएगा. सो एक कंप्लीट राउंड में उसने दो बारी अपनी ओरिजिनल पोजीशन ली. सो इट्स ऑर्डर इज 2 एंड इट्स एंगल इज 360 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 180 डिग्री. देन नेक्स्ट इज रोम्बस. सिमिलरली एक रोम्बस को जब आप रोटेट करके देखेंगे तो ये 180 डिग्री पे ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा. तो इसके लिए भी ऑर्डर इज 2 एंड एंगल इज 180 डिग्री. एंड फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल 3 टाइम्स करेगा, जैसे हमने यहाँ पे करा था बेटा. सो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 3 एंड एंगल इज 120 डिग्री. सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरी वन. देन मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18. बाय रोटेटिंग 60 डिग्री फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ फिगर रीचेज इट्स ओरिजिनल पोजिशन. वो कह रहे हैं कि जब हम किसी भी फिगर को रोटेट कर रहे हैं तो 60 डिग्री करने पे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन, मतलब कि ओरिजिनल उसकी जो लुक है वो वैसे का दिखता है. और कौन से एंगल्स पे वो सेम दिखेगा? आपको पता है कि एक कंप्लीट राउंड में देर इज 360 डिग्री एंगल. तो 60 डिग्री करने पे वो ओरिजिनल पोजीशन ले रहा है. तो जब नेक्स्ट 60 डिग्री कंप्लीट होंगे देन अगेन इट विल टेक इट्स ओरिजिनल पोजीशन. 60 प्लस 60 दैट गिव्स यू 120. देन अगेन 60 डिग्री रोटेट करने पे इट विल गिव यू द सेम पोजीशन, दैट इज 120 प्लस 60 180. देन अगेन 60 करने पे 180 प्लस 60 दैट गिव्स यू 240. एंड देन अगेन 60 करने पे 240 प्लस 60 दैट गिव्स यू 300 डिग्री. सो ये वाली सारी पोजीशंस पे एंड देन अगेन 60 आ गया, दैट इज 360 डिग्री कंप्लीट एंगल. तो बेटा जब उसका ऑर्डर निकालना है तो आप 360 डिग्री को 60 डिग्री से डिवाइड करेंगे, दैट इज 6. तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 6 एंड किस किस एंगल पे वो सेम पोजीशन लेगा? 60 डिग्री पे, 120 पे, 180 पे, 240 पे, 300 पे एंड 360 पे. एंड बेटा ये फिगर बनेगा ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, क्योंकि हेक्सागन की 6 साइड हैं. उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 6, लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं 6. तो अगर आप एक रेगुलर हेक्सागन लेके जिसकी 6 साइड्स हों, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो आप उसको रोटेट करके देखेंगे देन एंगल इज 60 डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 6. सो आई होप दिस असाइनमेंट इज क्लियर टू यू एंड प्लीज कंप्लीट योर असाइनमेंट्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.